सर फार्मा इंडस्ट्री और पैकेजिंग इंडस्ट्री आपस में किस तरह जुड़ी हुई है? तो जनरली कौन कौन सी पैकेजिंग फार्मा इंडस्ट्री में यूज होती है? तो आपके पास जनरली आप किस तरह की पैकेजिंग में डील करते हो? अपने पास कौन से प्रोडक्ट होते हैं इनमें से? हेलो गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज तक हमने फार्मा बिजनेस से रिलेटेड बहुत बात करी है, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन की, फार्मा रिटेल की, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन आज जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, जिस बिजनेस के बारे में हम जानना जा रहे हैं, वो फार्मा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है। उसके बिना फार्मा बिजनेस बहुत अधूरा है। चाहे आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट बना लो, कितना अच्छा ब्रांड बना लो, लेकिन जब तक उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक उसकी बोतल अच्छी नहीं होगी, उसका जो गेटअप अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका सारा एफर्ट वहां पे फेल हो जाता है। उसी सिलसिले में आज हम आए हैं शिवालिक पॉलीमर्स में और हम अंकित जी से जानेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है, किस तरह ये फार्मा से जुड़ी हुई है और कैसे ये इसेंशियल पार्ट है फार्मा इंडस्ट्री का। अंकित जी से मिलने से पहले एक बार अंकित जी से मिल लेते हैं। उनको फार्मा इंडस्ट्री का बहुत ज्ञान है, वो हरियाणा स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं। आइए पहले अंकित जी से मिल लेते हैं। तो अंकित जी अपने बारे में आप कुछ बताइएगा। मैं डॉक्टर एच के मेहता, मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने सन 1976 में ये फार्मा ट्रेड का बिजनेस शुरू किया था। तब से लेके मैं काफ़ी साल तक, 30-40 साल का मेरा ट्रेड में एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के ही मैंने बेनिफिट लेते हुए मैंने जो है ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में हमने अपना काम शुरू किया। मेरी एजुकेशन जो केमिस्ट्री में काफ़ी भागीदारी रही और मैं हरियाणा स्टेट केमिस्ट्री का प्रधान भी रहा, जिससे मैंने हरियाणा स्टेट केमिस्ट्री की सेवा काफ़ी साल की। और इस स्टेट के होते हुए मुझे लोगों से बड़ा भी नज़दीक रहा और इस लिंक की वजह से ही जो है मैंने ये अपना काम किया। और मेरा बेटा आगे भी मेरे साथ मेरे साथ काम कर रहा है, क्योंकि हम आज जो स्टेट के हैं। आइए अंकित जी से जानते हैं कि कैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया है अपना और किस तरह ये फार्मा इंडस्ट्री में काम करता है। पैकेजिंग का डिपार्टमेंट, पैकेजिंग का सेक्टर कैसे फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अंकित मेहता, शिवालिक पॉलीमर से। हम लोग लगभग 15-16 साल से यहाँ पर पैकेजिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। हम लोग यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, वेटरनरी फूड फीड इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्री को कैटरिंग करते हैं। हम लोग पैकेजिंग के सभी उत्पाद लगभग जो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं और जो वेटरनरी इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं, सभी सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को भी सर्व कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ पर हर छोटी बड़ी इकाई के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सर फार्मा इंडस्ट्री और पैकेजिंग इंडस्ट्री आपस में किस तरह जुड़ी हुई है? फार्मा इंडस्ट्री और पैकेजिंग दोनों का ही चोली दामन का साथ है, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लें, चाहे आप लिक्विड बना लें, ऑइंटमेंट बना लें, कैप्सूल टैबलेट बना लें, उनको स्टोरेज के लिए आपको पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी एक्सपायरी भी लगभग 1.5 से 2 साल होती है और 1.5 से 2 साल स्टोर करने के लिए आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैकेजिंग की बहुत जरूरत है। तो इसमें आपको मतलब लिक्विड के लिए बॉटल्स की, टैबलेट कंटेनर्स की, शैम्पू के लिए बॉटल्स की, हर उत्पाद मतलब हर जगह पे हम लोग जुड़े हुए हैं और बैकएंड पे हम बहुत बड़ा काम हम फार्मा इंडस्ट्री के लिए हम पैकेजिंग वाले ही करते हैं। तो जनरली कौन कौन सी पैकेजिंग फार्मा इंडस्ट्री में यूज होती है? फार्मा पैकेजिंग में पेट बॉटल्स, HDPE बॉटल्स, लेमन ट्यूब्स, एल्युमिनियम ट्यूब्स और प्रिंटेड बॉक्सेस, उसके बाद कैरोगेटेड बॉक्सेस, ये सब फार्मा इंडस्ट्री के पैकेजिंग, फॉयल फॉयल एल्युमिनियम फॉयल, ये सब फार्मा इंडस्ट्री के लिए पैकेजिंग का काम करते हैं सब पैकेजिंग के। तो आपके पास जनरली आप किस तरह की पैकेजिंग में डील करते हो? अपने पास कौन से प्रोडक्ट होते हैं इनमें से? हम लोग जो हैं, हम लोग पेट बॉटल्स में डील करते हैं, HDPE बॉटल्स, टैबलेट कंटेनर, प्रोटीन पाउडर के जार बनाते हैं। वेटनरी सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं, उनके लिए कुछ बॉटल्स जार वगैरह बनाते हैं और फीड सप्लीमेंट्स वालों के लिए हम जार बनाते हैं। तो हम काफ़ी वाइड रेंज है हम लोगों के पास बेसिकली पेट बॉटल्स में और HDPE बॉटल्स में आप काम करते हैं जी। तो सर जो आपका पेट बॉटल्स का और HDPE बॉटल्स में काम करता है, तो आपकी मेनली जो आपकी USP है, जो आपका
में क्या ऐसा है जो आप देते हो जो बहुत कम लोग देते हैं राइट में? हम लोग पेट बोटल और जार वगैरह में सेल करते ही हैं। हम कुछ कस्टमर के लिए कस्टमाइज उनके लिए भी उनकी ब्रांडिंग के लिए भी काम कर देते हैं। जिस तरह हम किसी कस्टमर को अपने ब्रांड को ज्यादा प्रमोट करना है तो हम उनके लिए जैसे हम इस जार में एक स्टोर सुपर स्टोर वाले हैं उनके लिए जार हमने बना के दिया है ताकि उनका ब्रांड जैसे हमने एक बारी कस्टमर के इस पे एम्बोज हुआ है ये आप देख सकते हो। इस तरह हम कुछ प्रोडक्ट कस्टमर की कस्टमाइज हम ये वैरायटी करते हैं। ये एक आयुर्वेदिक जूस बनाते हैं तो इस कस्टमर को अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा प्रमोट करना था अपने नाम बोतल पे भी आपने तो हमने इस बोतल के ऊपर भी बोझ करते होंगे नाम लोगों को तो ये यहाँ पे हम कस्टमर के हिसाब से भी काम भी कर लेते हैं। तो जिस तरह कस्टमर की डिमांड होती है कस्टमाइज भी हम उनके लिए पूरी तरीके से उनकी ब्रांडिंग कर लेते हैं। वैसे बेसिकली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री में? मेन प्रॉब्लम वैसे तो एक बहुत वाइड इंडस्ट्री है इसका एंड नहीं है पर इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। हम लोग क्या है कि ट्रेंड बहुत जल्दी से बदलता है। हम आज कोई नया डेवलप करते हैं प्रोडक्ट कोई डिजाइन डेवलप करते हैं 2 महीने में मार्केट में लोग नेट से सर्च करके कुछ और डिजाइन हमारे लिए पेश करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी फाइट करनी पड़ती है। हमें रोज एक नए डिजाइन नए उसके ऊपर काम करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बहुत ह्यूज हो जाती है और डिजाइन के लिए अलग से अलग से वो इन्वेंट्री और वो सब हमारी बढ़ती जाती है। ये एक बहुत बड़ी फाइट है और जिसमें हम लगातार बड़ी कोशिश करते हैं मैक्सिमम कोशिश करते हैं इसको पूरा करने की फिर भी कहीं ना कहीं रह जाते हैं ये बहुत बड़ी फाइट है हमारे। तो जो सर नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं फार्मा में कॉस्मेटिक्स में या न्यूट्रास्यूटिकल्स में या फिर सप्लीमेंट का भी करते हो तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नए मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि ये फार्मा मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी लाइन है मतलब इसमें अभी भी बहुत स्पेस है आप लोग आए बहुत ग्रोथ की संभावना इसमें है और मेरा तो यही सभी के लिए है कि आपको फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में और से और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगने चाहिए और आना चाहिए बहुत ग्रोथ है। तो आपकी क्या स्कोप रहती है वैसे अगर मैं आते तो क्वांटिटी भी कम रहती है? जब भी कोई नया मैन्युफैक्चर आता है तो कभी भी हम लोग ऐसा कोई डंपिंग या वो वाला नहीं पॉलिसी पे काम करते हम लोग उनको पूरी सपोर्ट करते हैं जितना मिनिमम से मिनिमम हम कोशिश अगर उनको चाहिए उतना उनको मटेरियल देते हैं ताकि उनके ऊपर शुरू में दबाव ना पड़े और एक आदमी स्टार्टिंग फेज में है और उसके लिए बहुत मदद करते हैं काफी सपोर्ट करते हैं हम लोग हमसे आगे भी लेते हैं उनको काफी गाइड भी करते हैं कि इस फेयर कर इतना काम कर काफी मदद करेगा। तो आज हम अंकित जी से मिले शिवालिक पॉलीमर में इनका सेटअप है ये मैनुफैक्चरिंग करते हैं पेट बॉटल्स की और IGP बॉटल्स की तो इनसे हमने काफ़ी ज्ञान लिया आज। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह फार्मा से जुड़ी हुई है पैकेजिंग इंडस्ट्री और कैसे यहाँ पे काम होता है दोनों किस तरह आपस में जुड़े हुए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।